ऐसा भगवान आपकी ऐसी तरक्की दे रहा है। इसी के साथ चेंज का बोला था पाकिस्तान पार्टी का टारगेट है वो पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये क्या बोला था? सोन बबड़ी का डब्बा है इसमें, सोन बबड़ी का डिब्बा। सबके मुंह में पानी आ गया सोन पापड़ी का नाम सुन। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और आप सभी को भी। कुछ करो अच्छा, दो महीने जो निकल गए वो निकल गए, आगे जो आने वाला मंथ है उसको अपन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए भी एक बार तालियां। हर्ष भैया को पुरस्कार मिल रहा है। हर्ष भैया को मिला नहीं, हर्ष भैया ने छीना ये छीन लिया इनने पुरस्कार। गणेश जी इसमें अब बोलो क्या क्या है। काम है तुम्हारे को खाने का, लाओ दिन भर खाती रहती हूँ बेचारे। उनको पतला कर दिया, खुद मोटी हो रही हो खा खा के। अभी मैं जा रहा नहीं, ये हमारे चूतिया हैं। ओपन ऑर्डर में जा, ये इनने बोला, उमेश भैया ने इनने बोला है। ये नीचे लिखा है। अभी क्या, मैंने बहुत दिन से इनकी वीडियो बना के नहीं डाली है। अब मैं प्रॉपर क्या थोड़ा सा अभी इनकी अच्छी अच्छी वीडियो बना बना के डालूंगा। अपन इनको भी फेमस करेंगे। लगते ना कि वो पिक्चर कौन सी यार, फुकरे पिक्चर के चूचे जैसे इनके दांत देखना, ऐसे वो इनका ब्लॉग जाके देखना। सबसे पहला जो मेरा ब्लॉग था, क्या मस्त दांत लगेंगे तुम्हारे को, थंबनेल देख के मजा आ जाएंगे क्या। देख लेना, देख लो तो। क्या खूब लगती हो, गुणमान निकल गए चार थे वो, चार ही जाने से लग रहे थे नहीं सीक्रेट एजेंट होंगे। कार में से उतरे, पहले तो चच्ची निकली बुरखा बांध के ने, फिर चार वो छोरी गए जाने की कुछ लूट लपाटी करके आए होंगे ना। कुछ भी हो सकता आजकल, बच के रहना, मर्डर हो जाते दिन में पता है। मैंने नहीं करे, मेरी सकल पे तो लिखा ही नहीं कि मैंने मर्डर करे। मैं तो शरीफ आदमी, दादा दादा हाँ और शरीफ आदमी दिहाड़ी करते हैं दिन भर और फिर घर चल जाते हैं। नेहरू पार्क से घर कहाँ लिया तुमने? घर बदल लिया मैंने तो नहीं बदला, मैंने अभी बदला बदला, अभी मैं वहीं पर रह रहा हूँ। अभी मैं रूम देखने गया, कल बहुत रूम देखे मैंने, बहुत महंगे महंगे रूम है साहब इंदौर में, क्या बताऊँ। 6,000 रुपये 10 महीने के 60,000 रुपये होते, इतने महंगे रूम कौन देता है? देख लो, सोच देख रहे हो इनकी, बहुत सही बोल रहे हो, बोल तो सही रहे, लड़के हैं और क्या बोल सकते हैं। बाकी नहीं जमे मेरे को तो, अभी मैं देखता हूँ सस्ते रूम फिर बताता हूँ। एड्रेस नहीं दूँ मैं यार, नहीं तो तुम घर आ जाओगे ऑटोग्राफ लेने फालतू में। हाय गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आज हमारे भाई का बर्थडे है, सुशील ब्लॉग, सुशील का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सुशील। थैंक यू। तो आज मेरा बर्थडे है, तो अभी मैंने ऑफिस में बढ़िया केक वेक काट दिया है। अब मैं ये जो ऑफिस में जितने भी लोग होने सबके लिए क्या समोसे लेने जा रहा हूँ, बेक समोसे खिलाएंगे इनको। और बर्थडे का सेलिब्रेशन अच्छे से हो गया है, दिन भर भी अच्छे से निकल गया है। बाकी मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था ऑफिस के काम में, तो अब थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने ब्लॉग बनाया। ज़्यादा मस्ती भी नहीं हुई है आज के ब्लॉग में, बाकी नॉर्मल सा ब्लॉग है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हुआ है, अभी सबको जाके वो क्या कहते हैं उसे, पार्टी देंगे सब पार्टी ले लेंगे, फिर अपने अपने घर जाएंगे, मैं भी घर जाऊंगा। और बस और क्या है, अपना तो यही काम है, विलोग विलोग डाल देंगे घर जाके। तो बाकी बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेरे बर्थडे मेरे को अच्छा लगता है। सुबह से मैं मंदिर गया था, मंदिर में बढ़िया भगवान के दर्शन करे, उसके बाद में सीधे सीधे ऑफिस आ गया। ऑफिस आके दिन भर काम करा, फिर तुम्हारे लिए टाइम निकाल लिया कि ब्लॉग बना देते यार, बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाला है। और इस बहाने तुम्हें पता भी लग जाएगा कि 25 अक्टूबर के दिन मेरा बर्थडे आता है, तो क्या अगले साल से जब मैं फेमस हो जाऊंगा तब तुम थोड़ा ध्यान दोगे इंस्टाग्राम फेसबुक पे। और एक चीज की और बधाई, आप वापस आ गए पुराने ऑफिस में विकास सर वाले। मैं जो मतलब पिछले ब्लॉग में जो लोकल ट्रेन वाले में बात की थी मैंने विकास सर की,
तो मैं वापस से उनके ऑफिस में आ गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अब। अब मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं बहुत अच्छे से काम करने के मूड में हूँ और कर रहा हूँ। तो बस यही है अपनी स्टोरी, और सुनते ही जाओ तुम तो ख़त्म ही नहीं होती अपने पास। क्या नहीं यार, अच्छा समोसा खाएंगे अपन, आ रहे बस हम बनने वाले, बस 14 बनने बाकी है। अभी हाल हम बेग समोसे लेने गए, वो भैया हमारे को दो ही को देखे तो हमने बोली 50 बेग समोसे बना दो, तो वो बोलते क्या है कि सही में बनवाने क्या 50, मतलब वो चौंक गए क्या हम शकल से फर्जी लगते क्या, मैं फर्जी अर्जी दिख रहा हूँ क्या हमारी शकल पे लिखा क्या। अभी हमारा बेग समोसा बनने में टाइम लग रहा है, तो हम अभी धीरे धीरे इधर बढ़ रहे हैं आगे, कुछ ना कुछ मिलता है देखते, जूस वूस मिलता है तो जूस वूस पी लेंगे। हमारे शरीर में बहुत एनर्जी की कमी, क्योंकि मेरे को बुखार आ रही, 4-5 दिन से ताव धर रही है, और ये तो भैया ये तो कमजोरी है, इनसे 1 किलोमीटर नहीं चला है। आप जाते गए सिटी के बच्चों ने ऐसे ही रहते हैं, इसलिए ऐसे ही होता है इनके साथ, कहीं नहीं आप जाते क्या सिटी में, क्या घी नहीं पिलाते इनको, ये अमूल का घी दूध खा के बड़े हुए, चश्मा लगा इनके लिए अमूल का घी। अभी क्या हम सीताफल का जूस पियेंगे, फिर वापस से जाएंगे वो की कैरेट लेके खाएगी समोसे की ऑफिस में, तो जाएंगे हम थोड़ी देर से, और अभी हमारे पास आधे घंटे का टाइम है सैर सपाटा करने। हम जूस पी के वापस आ गए, रोडे रोड चल रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं वापस से वो उसकी दुकान पे समोसे, बड़े वेग समोसे वाले की पे समोसा लेके ऑफिस जाएंगे। वहाँ से रोड के नज़ारे काफ़ी अच्छे नहीं लग रहे हैं हमारे को, इंदौर में आबादी बढ़ रही है और लोग उन भी बढ़ रहे हैं, गाड़ी भड़क देते हैं एक दूसरे में, इसलिए हम धीरे से साइड में ही चल रहे हैं, क्योंकि हमें अभी मरना नहीं है, अभी हमारे को बहुत जीना है। इनकी तो शादी भी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं हुए इनके, तो 4 बच्चे खेल रहे ना जाए, हाँ ना जाए तो बात खेल, सब गलत बात है, ऐसी बातें नहीं करता मैं। त्यौहार के दिन कल रहा वो था दशहरा, कैसा लगा सबको कमेंट में बताना, दशहरा बहुत अच्छा त्यौहार रहता है, राम जी ने मतलब बड़े बड़े काम किए थे, असफलता तो मतलब सफलता पे असफल क्या कहते हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, उसका प्रतीक होती है हमारी दशहरा। और देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्या ज़्यादा कुछ ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ, बाकी जो कुछ कर रहे हो बस करते जाओ, सक्सेस तो तुम्हें मिल ही जाएगी, कभी ना कभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी और ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। जैसे कि तुम मुझे अभी देख रहे हो, बहुत छोटे लेवल पे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, पर धीरे धीरे मैं जब बढ़ूँगा तो तुम भी मतलब बोलोगे कि हाँ सक्सेस मिलती है अगर कंटिन्यू अपन कोई सा काम करते रहते तो हर एक काम में क्या कंसिस्टेंसी ज़रूरी, कंसिस्टेंसी से सब वर्क करें तो सक्सेस मिल जाएगी, और कोई बात नहीं है। ठीक है, पिछला डिलक्स नहीं, मैं अकेले ही था, ठीक है, पिछला गियर लगाया, पीछे देखा और स्टेरिंग ऐसा सूं 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 स्टेरिंग ऐसा घुमाते हुए जा रहा है, दादा पायलट ऐसे लोगों ने कैसे बोलने लगे मेरी वीडियो। अभी क्या हर्ष भैया कार चलाने की स्टोरी बता रहे थे, इन्हें झूं झूं कार चलाई थी ऐसे बता रहे थे, अपने वीडियो बना ली जरा, आप सामने से वीडियो बनाने नहीं देते, ऐसे ही बना लेते ब्लॉग तो अच्छे थो क्या। अभी थोड़ा बीच में क्या, अभी हमारे इधर प्रोग्राम नहीं हो रहा, थोड़ा आन दो फेस्टिवल ऑफिस में, फिर देते तुम्हें ब्लॉग में मजे, कॉमेडी वगैरह सब आएगी, मजा आएंगे खूब। अभी थोड़ी देर हम यहाँ बैठ के टाइम पास करेंगे और फिर थोड़ी देर से जाएंगे। अभी हम समोसे हमारे तैयार भी हुए हैं, अभी 25 समोसे तैयार हुए 25। अभी गलती से इस ब्लॉग को रणजीत सर देखेंगे तो बोलेंगे ये दोई की टाइम पास बहुत बढ़िया चल रहा है, पर हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो क्या उनने बोल दिया थोड़ी देर रुक जाओ, तो हम रुक के जाते हैं, अभी थोड़े समोसे पैक करवा के ले जाएंगे, सबको खिलाएंगे और घर घर खेलेंगे, और क्या घर जाएंगे सोएंगे और सुबह वापस आ जाएंगे, यही तो काम है हमारा। क्या शर्ट कैसी लग रही है मेरी, सबने बुराई करी, टांट की शर्ट है, शर्ट बहुत बढ़िया है मेरी, जारा की शर्ट है, जारा की, अच्छी लगे तो बताना मैं सबको दिलवा दूँगा, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 800 रुपये में मिल जाएगी शर्ट, अगर अच्छी लगती है मेरी शर्ट और किसी को परचेस करनी है, ये देखो इस टाइप का कपड़ा है, तो वो कमेंट में लिखे या फिर इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सुशील सेन नाम से, उस पर DM करें, मैं शर्ट आपको पहुंचवा दूंगा, होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं हम, बाकी अभी बाकी हाँ 20% ऑफ भी कर देंगे हम, बाकी अभी थोड़े दिन में अपनी खुद की ब्रांड भी हम निकाल सकते हैं, मतलब टाइम लगेगा उसमें तो 2-4 साल जैसे जैसे यूट्यूब की ग्रोथ होगी, बाकी ये दूसरी ब्रांड है, जो भी ये आपको अगर चाहिए तो मैं 800 रुपये में दिलवा सकता हूँ।
ये देखो ये खा रही है, दिन भर खाती रहती है, इनको और कुछ काम नहीं है। कहाँ गई सब? ये देख लो, ये बेचारे को इनको दुबला कर रखा है इनने खा खा के, इनको गरीब को कुछ भी नहीं देती है। क्यों पंकज भैया सही कह रहे हो ना, थैंक यू। और ये दिशान भैया समोसा खोलते हुए चार पांच समोसे इकट्ठे अकेले खा सकते हैं, इनमें इतनी एबिलिटी है। शरीर पे मत जाना, बस ऐसे ही पहलवान है। ये देखना आप खाएंगे तीन बार ले लेंगे। कितनी अब से लेकर आया ना आपके लिए? ये आ गए सबसे सीधे साधे बच्चे, ये देख लो। अच्छा आपकी साबुन स्लो है क्या? तो जब के तो धोते जाओ कर रहे थे, वहीं तो खड़े थे। ये सबसे ज्यादा खाने वाला आदमी। नहीं अब तो ले, बस 5 मिनट में लागते। क्या रोटी लेना? दिन भर खाने खाना सर को फ्रूटी दे तो दी। छाछ करना पे मिलती है, बंद हो गई ना? हाँ काम नहीं, खाना खाना दिन भर है। हाँ पूजा मैम आपको मिला कि नहीं समोसा? फ्रूटी पी ली पूरी, थोड़ी सी नहीं बची मिल ली है। हाँ तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे खाना खत्म करता हूँ, बिना मस्ती के साथ। ज़्यादा मस्ती नहीं करी मैंने, मस्ती करना कम कर दिया। अभी थोड़े दिन बाद वापस चालू करेंगे, कर लेंगे मन होएगा जब। उनको कुछ काम नहीं है, दिन भर फोन में देखती रहती है, बहुत परेशान है हम इनसे। ठीक है ये हमसे परेशान है, कोई बात नहीं, रहने दो हम और परेशान करें।